आज आपको मैं कुछ नया रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो यह है तवा भिंडी, जो कि मैं तवा से बनाई हुई हूँ। तो आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं अपना तवा भिंडी। तो देखने में ये बहुत परफेक्ट है, प्लस खाने में भी ये बहुत यम्मी है। अगर जो भिंडी नहीं भी खाता ना गाइस, अगर जिसको भिंडी नहीं भी पसंद, वो भी इसको अच्छे से खाएगा, बहुत चाव से खाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखना मेरी रेसिपी को, क्योंकि ये रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना परफेक्ट बना है और कितना यम्मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम तवा भिंडी बनाना। तो मैं सबसे पहले फ्रेश वाली भिंडी ले ली हूँ, जो कि मैं 500 ग्राम ली हुई हूँ। इसको मैं अच्छे से फ्रेश धुल करके रख दी थी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल गया है। अब इसको हम काट लेंगे। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना, बीच से चीरा लगाना है, ऐसे ही आपको काटना है। इसके राइट साइड को हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। आप बस देखते जाए कि मैं कैसे बनाते जा रही हूँ इसको। इस तरीके से मैं बोली हुई थी ना कि कोई नहीं बताया होगा, तो आप देखो लास्ट तक, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इस तरीके से हम चीरा लगा लेंगे सभी को, ऐसे ही हम चीरा लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, हम उस साइड से नहीं काटेंगे, एक ही साइड से चीरा लगाएंगे। देखिए इसको आप पहले धुलना, फिर पानी को सुखा लेना गाइस थोड़ा सा, उसके बाद ही इसको काटना है। तो इस तरीके से मैं सभी को काट ली हुई हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से चीरा लगाई हूँ, ऐसे ही आपको सबको फाड़ लेना है। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी ले लेंगे, जो कि आधा चम्मच ली हुई हूँ। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें रेड वाली चिली डाल देंगे, कलर वाला है। उसके बाद हम तीखा वाला डाल देंगे। सबको मैं आधा आधा चम्मच ली हुई हूँ, आप भी आधा आधा चम्मच सबको ले लें। उसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि मैं 500 ग्राम भिंडी का बना रही हूँ। अगर आप 1 kg का बनाएंगे, तो आप इससे डबल क्वांटिटी में लें। मैं गैस में कढ़ाई रख दी हूँ और 1 चम्मच ऑयल ले ली हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद हम इस मसाले को इसमें डाल देंगे और करीब हम 2 ही मिनट बस पकाएंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको पकाने में सिर्फ 2 मिनट लगा है गाइस, और देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ऐसे ही आपको पेस्ट तैयार करना है। अब हम भिंडी में एक एक करके भरते जाएंगे। देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, वैसे ही आप भी भरें। एक स्पून की हेल्प से मसाला को इसमें डाल देंगे, या फिर आप अपने हथेली से भी इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें डालेंगे और हाथ से पूरे साइड में फैला लेंगे। पूरा जितना जहाँ तक चीरा लगा है ना, वहाँ तक पूरा फैला लेंगे, अच्छे से भर लेंगे। इस तरीके से हम तैयार करेंगे। देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, आप वैसे ही देखते जाए। एक बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें फिलिंग डालनी है और सब में ऐसे आराम से ही भरते जाना है। अगर गाइस आप नए हैं या फिर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। तो आप ऐसे ही सेकंड वाले को भी भर ले और सबको थोड़ा थोड़ा करके भर ले, क्योंकि ये मिर्ची डला हुआ है तो ऑलरेडी तीखा लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमें भर भर के फिलिंग को भरना नहीं। आप कम मसाले में, बहुत कम खर्चे में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। प्लस खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरीके से मेरा सारा तैयार हो गया है। अब एक तावा लेंगे और उसको गरम कर देंगे। उसके बाद 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से हम फैला लेंगे, पूरे तावा में फैला लेंगे। जब गरम हो जाए ना हमारा ऑयल, तो इसमें हम भिंडी को डाल देंगे। इस तरीके से आप आराम से डालेंगे, क्योंकि ऑयल हाथ में छिटक भी सकता है गाइस। तो आप भिंडी को तवे में बहुत ही आराम से डालेंगे, ताकि हमारे हाथ में छिटकने का कोई चांस ही ना रहे गाइस, और बहुत ही अच्छे से हमारा ये रेसिपी तैयार हो जाए। मैं सभी को डाल दी हूँ, देखना एक साथ में ये सभी
बहुत अच्छे से पक जाएगा, आपको डबल पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही आप साइड से मस्त डाल दें और इसमें ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इस तरीके से आप पकाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा गाइस। जो भिंडी नहीं भी खाता ना, उनको भी खाने को दिल करेगा। देखिए अब इसको हम ढक देंगे। ऐसे ही हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे ढक्कन को और इसको एक चिमटी की हेल्प से पलटा देंगे। ऐसे ही हम पलटाते जाएंगे, जिस साइड पक गया है ना उसको हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम नीचे कर देंगे। इस तरीके से आप पलटाते जाए और चिमटी से तो बहुत आसानी से ये पलटने लग जाता है। और ध्यान रहे कि इसको हम लो फ्लेम में ही पकाएंगे, इसको हाई नहीं करेंगे। अगर हाई करेंगे तो पूरी तरीके से ये जल जाएगा गाइस, इसीलिए बोल रही हूँ अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो आप लो फ्लेम में रखें। देखिए ये थोड़ा थोड़ा पक चुका है, अब इसको फिर से पलटा लेंगे। तवा भिंडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगता है गाइस, और 10 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक तो लाइक बनता है गाइस, एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके भी बता दो कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही हम बारी बारी से पलटा लेंगे, जिस तरीके से मैं पलटा रही हूँ ना वैसे ही आप आराम से पलटा लें। अगर आपको मेरी और भी रेसिपीज़ के बारे में जानना है या फिर देखना है या फिर आप बनाना चाहते हैं कोई रेसिपी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक चेकआउट कर सकते हैं गाइस, और आप अच्छी अच्छी रेसिपी बना करके अपने घर वाले को खिला सकते हैं। तो देखिए ये तैयार हो गया। अब हम तवे से बाहर निकाल करके एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए ये बहुत परफेक्ट बना है और बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। सिर्फ 10 मिनट लगा है इसको पकाने के लिए और बहुत अच्छा रेसिपी तैयार हो गया है। इस तरीके से आप तवा भिंडी को बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है गाइस, सिर्फ 10 मिनट लगा है। आप 10 मिनट में तवा भिंडी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत कम टाइम में आप तुरंत, अगर जल्दी कभी बनाना हो ना, तुरंत इसको बना सकते हैं। चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो है ना बहुत ही परफेक्ट है। देखिए मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।